आज के इस सभा के सभापति गवर्नमेंट वाटर, हमारे जिला सेक्रेटरी, यहाँ के सिलीगुड़ी के गवर्नमेंट जुबे सरकार, हमारे साथी समन पाठक जो मेरे सहयोगी थे कुछ साल राज्यसभा के अंदर, हम यहाँ पर आए हैं आपको यही आवेदन करने कि कॉमरेड समन पाठक जो सूरज के नाम से जाना जाता है, तो उसको फिर वापस दिल्ली भेजना और पार्लियामेंट में भेजना जरूरी। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट में हमने देखा है किस तरीके से दार्जिलिंग के लिए, अपना घोल का भाइयों और बहनों के लिए, यहाँ के पूरे पहाड़ी इलाके में अलग अलग जातियों के साथ जुड़े हुए लोगों की एकता के लिए किस तरीके से पार्लियामेंट में आवाज उठाता था, आज और जरूरत पड़ गई कि एक ऐसी आवाज चाहिए आपके प्रांत से, आपके क्षेत्र से, एक ऐसा आवाज चाहिए जो यहाँ की आवाम को, की एकता को मजबूत कर सके। यहाँ की आवाम की एकता ही एकमात्र राज है कि इतना सुंदर और बेहतरीन जगह जो दार्जिलिंग है, इतना पुराना एक इतिहास हमारे गोरखा भाइयों का है, अपने देश की आजादी में, देश की सरहद की बचाने में हम लोग इकट्ठा करके आगे ले जाने की कोशिश करें, तो यहाँ की संपत्ति सिर्फ धनी लोगों तक सीमित नहीं होगी। यहाँ की संपत्ति हर मेहनत की जनता जो यहाँ पे रहता पहाड़ों में, उन तक पहुंचना जरूरी है। आज से क्या हो रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे आगे पहुंचा हुआ पर कैपिटा इनकम का कोई जिला है तो वो है आपका दार्जिलिंग। लेकिन सबसे गरीब लोग और सब भूख से मरने वाले आपके किसान मजदूर जो आज आपके चाय बागानों में काम करते हैं, उनका भी सबसे ज्यादा संख्या आप ही के जिले में है दार्जिलिंग। ये क्यों हो रहा, क्योंकि चंद लोगों की लूट की वजह से यहाँ की जो संपत्ति है, यहाँ की जो खूबसूरती है, वो उनके मुनाफे के रूप में बदलता है, लेकिन यहाँ का मेहनत कश जनता जो काम करके यहाँ की संपत्ति बनाता है, उसका हिस्सा बराबरी का कभी नहीं मिलता। तो इसलिए दो मंत्र है यहाँ पे, एक है सभी लोगों की एकजुटता एकता, और दूसरा है कि हमारी अधिकार जो बराबरी की होनी चाहिए हमारी संपत्ति की, उसको हासिल करना। ये दोनों ही सूत्र है, ये दोनों ही मंत्र है जिसके चलते हुए मेरे पैदा होने से पहले कुछ 8 साल पहले रतनलाल ब्रह्मन को आखिरी दम तक यही काम थी कि आज यहाँ पर सभी अलग अलग प्रांत से अलग अलग जातियों के जो लोग हैं उनका एकता बना है। आज सबसे बड़ा चुनौती आज आपके सामने हुई। मैं बहुत बार आता रहा हूँ दार्जिलिंग, अच्छे समय में आया हूँ, आपके ऊपर दमन जब हो रही थी तब आया, यहाँ पे जब आंदोलन जब हो रहे थे तब आया, और 105 दिन का यहाँ का जो बंद चला उसके बाद जो दमन हुआ, उसके बाद आप ही के नेताओं के साथ दिल्ली के अंदर अलग अलग किस्म के लोगों के साथ जो यहाँ के प्रतिनिधि है, ये सब जब दिल्ली आए, सबसे मिलकर हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास उनको ले गए और कहा कि एक ये दमन बंद करो, दूसरा अगर शांति बहाल करना है दार्जिलिंग में पहाड़ों में, तो ये जरूरी है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म बनाया, उसको बुलाइए और उसको बुलाकर समस्या को हल करें। लेकिन अफसोस की बात यही है, ना भाजपा ना तृणमूल कांग्रेस उस ट्राइपार्टाइट मीटिंग को आज तक नहीं बुलाया, और उसके चलते हुए समस्या का हल नहीं, दमन और ज्यादा बढ़ा। और कोशिश क्या है आज तृणमूल कांग्रेस की, हम चाहते हैं एकता, आप लोग चाहते हो एकता, और उसके आधार पर आप चाहते हो विकास। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर राज्य सरकार का पूरा कोशिश क्या है कि एक बोर्ड बनाता सुभाष घी सिंह के नेतृत्व में, जब हम कह रहे थे कि पूरे पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग का उसका पूरा का पूरा ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, कंप्लीट ऑटोनॉमी, एक बोर्ड बनाता आपके सुभाष घी सिंह के टाइम पर, और आज 16 बोर्ड बने, 16 हर जाति के लिए एक बोर्ड, यानी वही ब्रिटिश हुकूमत जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात करती थी, वही जो आज भाजपा केंद्र में जो नीतियां ला रही है उससे भी डिवाइड एंड रूल हमारे देश के अंदर लागू करने की, और वही हो रहा आपके इलाके में भी, एक बोर्ड के जरिए अब 16 बोर्ड। तो आज
इन सब समस्याओं को हल करने के लिए ये जरूरी है कि आज बराबरी के अधिकार जो भारत के संविधान में दिया गया, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए नहीं, भारत की संविधान के अंदर हर समय माइनॉरिटीज की बात जब आती है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात आती है, और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात जब आती है गोरखा भाषा को, आप वो जो एक शेड्यूल में ले आने की बात के लिए कम्युनिस्ट सबसे आगे थे वो लाए, आज इस पूरे इलाके को एक सिक्स शेड्यूल में ले आओ या कोई और तरीका निकालो जिसके चलते हुए संवैधानिक यहाँ पे पूरा का पूरा ऑटोनॉमी रहेगा, उसके लिए हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM प्रतिबद्ध है। हम ये आश्वासन देते हैं आपको, हम उसके लिए लड़ेंगे, और उसी के चलते हुए इस चुनाव के लिए दिल्ली में कई सारे आपके नेता लोग जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग ग्रुप्स के साथ है वो सब आए थे दिल्ली और हमसे बातचीत हुई। हमने कहा उनसे स्पष्ट रूप से हम चाहते हैं कि एकता हो, हम तैयार है, CPIM कंटेस्ट नहीं करेगा इस बार, हम तैयार है अगर कोई एग्रीमेंट बनेगा और सब दिल के लोग मिलकर अपनी प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे तो हम उनको समर्थन करेंगे। ये बात वो भी जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि नाम का जरूरत नहीं है, यहाँ पर भावना की जरूरत। हम यहाँ पर उनसे कहा था कि जो भी आप लोग तय कर लो, हमारे पार्टी को भी कहा था जो भी तय हो जाएगा कि हिल के लोगों की एकता के लिए खड़े होने के लिए कोई भी प्रतिनिधि हो उनको हम समर्थन करेंगे। अफसोस की बात फिर वो नहीं हो पाएगी, और यहाँ पर पिछले साल आपने देखा हमारे मित्र रहे हैं पार्लियामेंट में सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया, वो यहाँ पर जब MP बने 5 साल के लिए मंत्री बन गए आपके वोट के ऊपर, वापस यहाँ पे आए नहीं। फिर उससे पहले जसवंत सिंह साहब थे, उनसे भी बड़ी लंबी बातचीत हुई कि कैसे हल करें, सरकार उनका था वाजपेयी साहब का उस समय, बाद में सरकार नरेंद्र मोदी साहब का था, यहाँ का MP BJP का है, लेकिन कोई हल आज तक नहीं निकाला। हल निकालना उनका मकसद नहीं है, क्योंकि आज क्या हो रहा देश में, कल की बात, भाजपा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि वो फिर से मोदी सरकार बनेगी तो पूरे देश में NRC को लागू करेंगे, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। कौन होगा इसके अंदर कौन नहीं, ये जो है हम तय करेंगे हर प्रांत में NRC के अंदर अपने मनमाने से किसको भारत के नागरिक बनाएंगे, सिटीजन बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, उसके बारे में कोई नियमों के आधार पर नहीं। अगर वही NRC आज लागू करेंगे आपके दार्जिलिंग और बंगाल में, जो बात उन्होंने कल कहा था त्रिपुरा में कि पूरे देश में NRC लागू होगा, और उसी के साथ उन्होंने कहा मोदी सरकार फिर वापस आएगी तो हमारी नागरिकता का जो कानून है संवैधानिक आधार है उसके अंदर संशोधन ले आएंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। यानी मतलब क्या है कि 31 दिसंबर 2018 तक जो भी अपने देश के अंदर आएगा दूसरे देशों से मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी। नफरत जो पैदा होती है कि धर्म के नाम पर आप लोगों में बंटवारा हो रहा है, भाषा के नाम पर आपको बंटवारा हो रहा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का रूप देने से क्या है, बहुत बड़े फायदे हैं हमारे संविधान में। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अलग अलग स्कूल खोल सकती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर उस माइनॉरिटी के बच्चों को ही प्रायोरिटी मिलेगा पढ़ने के लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डिक्लेयर होने के बाद उस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लोगों को ही प्रायोरिटी मिलेगा आपके एम्प्लॉयमेंट में नौकरियों में। लेकिन ये काम भी करने के लिए तैयार, क्योंकि आज तृणमूल हो या भाजपा हो दोनों का एक ही नजरिया है कि इस हुकूमत को चलाना है तो लोगों के बीच में बंटवारा लिया। भाजपा पूरे देश में करती है, तृणमूल कांग्रेस आपके बंगाल में और खासतौर से आपके दार्जिलिंग में कर रहे हैं। 2015 में पार्लियामेंट के एक कमेटी का चेयरमैन होने के नाते हमने सिफारिश दिया था कमेटी की तरफ से कि आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को आप जो है एक नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल रीजन बनाकर कानून बनाया और पूरे हिल एरियाज को पूरे 7 जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में उनको और दार्जिलिंग को छोड़कर दूसरी तरफ सिक्किम को इन सबको आप जो है डेवलपमेंट के लिए 10% जितना खर्च होता है पूरे देश में
उसका 10% हिस्सा इन पहाड़ियों में खर्च होना चाहिए, ये कानून बना। तब हमने कहा दार्जिलिंग को बीच में कैसे छोड़े आपने, दार्जिलिंग तिप्ति तक पहुंचते हो नॉर्थ ईस्ट से और उसके बाद दार्जिलिंग को छोड़ के फिर से क्यों बोले आते हो, तो ये गलत हो रहा है, इसको जोड़ना चाहिए दार्जिलिंग को भी उसके साथ। 4 साल हो गए ये सिफारिश देने के बाद, ये कमेटी की सिफारिश आज भी पार्लियामेंट के सामने पड़ी है, लेकिन अभी तक भाजपा की सरकार इस 4 सालों में वो दिया नहीं, क्यों नहीं किया, उनके सरकार के सामने ये है। तो आज के दिन दोस्तों ये जो चुनाव हो रहा है दिल्ली में कौन बनाएगा सरकार, ये मामूली चुनाव नहीं है, इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि हमारा भारत का भविष्य क्या होगा, क्या भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हमारा संविधान कहता है वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, वो है खतरा। क्योंकि आज चौतरफा हमला, हर संस्था पे, पार्लियामेंट पे हमला, सबसे ज्यादा आजादी के बाद इतना कम दिन में अगर पार्लियामेंट मिला तो मोदी साहब के 5 साल के अंदर, और पार्लियामेंट कम मिलता तो मतलब क्या है, सरकार की जवाबदारी होती है सिर्फ पार्लियामेंट।